हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीजिएटली। ऑल द नेगेटिविटीज़ प्लीज़ बैकफायर, 100 times मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को उस व्यक्ति के ऊपर ही फेंका जाए जिस व्यक्ति ने नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में भेजी हो। प्लीज बैक फायर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। राइट, सो ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है उषा सेठी। थैंक यू सो मच उषा जी। ममता सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। संजय समतानी, थैंक यू संजय जी, थैंक्स अ लॉट। नव्याक्ष, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नव्याक्ष। रवि चंद्री कपूरे, थैंक यू सो मच रवि, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता गिडी, थैंक यू सो मच सुष्मिता। अरुण सिंह चौधरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। AS उपाध्याय, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। रीना जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रीना। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू। ओके, हन चेतक PL, आई होप मैं आपका नेम सही ले रही हूँ, राइट। सीमा 3567, थैंक यू सो मच सीमा। वर्षा राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। कसवाल, थैंक यू सो मच कसवाल, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। साहब सब ने इतना सारा प्यार बरसाया उसके लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी आप सब ने मेरे लिए भेजी है, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के बरसे एंड आपके बैंक अकाउंट में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो, राइट। आप पर माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है, आपने खुद को ड्रीम में हो सकता है रिसेंटली देखा हो, आपने अपने आप को सपने में देखा है एंड आपने हो सकता है ये मिक्स्ड ड्रीम देखा है। आपको अपने सपने में मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं या सो अगर किसी को अपना सपना याद है, उन्होंने खुद को अपने सपने में देखा था एंड उन्होंने हो सकता है खुद को फ्लाई करते हुए देखा हो। सो अगर रिसेंटली आपने खुद को सपने में देखा है, ठीक है, एंड हो सकता है उस सपने में कुछ आपने खराब चीज़ें भी देखी हों, तो आपको ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ड्रीम स्टेट में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपके ड्रीम्स में आपको अटैक कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहे हैं क्योंकि ड्रीम स्टेट में भी आपको एंजल्स रक्षा कर रही हैं, ठीक है। आई कैन सी 3 angels आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है, कोई 3 angels आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एंड इसके साथ साथ आपके जो लव्ड वन हैं वो भी आप पर नज़र रखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ड्रीम स्टेट में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसने आपको एडिबल्स में कुछ खिलाने की कोशिश करी, ठीक है, और हो सकता है आपने उस चीज़ को खाया भी है लेकिन आप उस चीज़ से अनअफेक्टेड हैं, आप पर उन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी उनके जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ देखकर वो लोग बहुत हैरान हैं एंड दे आर ट्राइंग टू अटैक यू इन योर ड्रीम्स। तो आपके सपनों में आपको अटैक किया जा रहा है, हो सकता है आपने किसी प्रकार का कोई खराब सपना भी देखा हो जिसने आपको बहुत बॉदर किया हो, लेकिन उसी सपने में हो सकता है आपने कुछ अच्छा भी देखा है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है, जो नेगेटिव चीज़ें आपने देखी हैं उनको लेट गो करिए,
क्योंकि वो एक भ्रम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड आपको उस भ्रम में, उस ट्रैप में नहीं फंसना है, एंड आप ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। आप कई सालों तक ट्रैप में रहे हैं, लेकिन अब आप उस ट्रैप से बाहर आ चुके हैं, तो इसी वजह से वो लोग आपको वापस उसी ट्रैप में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू अटैक यू इन योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स में, आपके सपनों में आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है जो आपको अपने सपनों में लगातार देखते हैं, एंड हो सकता है उनको आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस लगती है, बहुत रहस्यमयी लगती है, ठीक है। उनको आप मैजिकल लगते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उनको बहुत पसंद है, ठीक है, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आपकी ऊर्जा से वो बहुत ज़्यादा इंट्रीग्ड हैं। वो आपकी ऊर्जा को समझना चाहते हैं, आपको रीड करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा स्टंड है कि आप उनको रीड कर लेते हैं, एंड वो ये समझना चाहते हैं हाउ यू डू इट, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा किसी को बहुत इंट्रीग कर रही है, एंड एक्चुअल में आप बहुत मिस्टीरियस हैं। या तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत बातूनी हैं, ठीक है। आप हर किसी से बात कर लेते हैं, आपको बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन आपसे बात करके लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप जिस किसी से भी मिलते हो वो आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, आपके बारे में और अधिक जानने के लिए वो आतुर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊर्जा है आपकी। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ड्रीम स्टेट में अटैक किया जा रहा है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, निश्चिंत रहिए। अगर आपने खुद को फ्लाई करते हुए देखा है सपने में रिसेंटली, तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है, बहुत सारी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अपने करियर फ्रंट पे, एंड अपने ओवरऑल लाइफ में आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। चीज़ें बेटर हो रही हैं, पुरानी चीज़ें रिलीज हो रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। मेरी कलेक्टर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए, क्या गाइडेंस आ रही है। यस, यू आर प्रोटेक्टेड, सी आप प्रोटेक्टेड हैं, या सुप्रीम प्रोटेक्शन, ओके, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, या ग्रीन तारा माँ की एनर्जी है, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बींग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। सो आपके अराउंड जो भी बंधन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी ना, उसको कट कर दिया गया है, ठीक है। जो भी चेन्स आपको बांधने की कोशिश करी थी उनको काट कर फेंक दिया गया है, ठीक है। अब आप ट्रैप से आज़ाद हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे हेटर्स हैं जिनको पता है कि आप मैजिकल बीइंग हैं, आपके अराउंड कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, जो आपके साथ चलती है और आपके लिए हमेशा सहायक है, एंड इसी वजह से आपको रोकने की कोशिश करी, बांधने की कोशिश करी, लेकिन उस बंधन को काट दिया गया है, ठीक है। आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को, ऐसे हेटर्स को आप जाते हुए देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि जो लोग आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते थे वो आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, ठीक है। जो आपके लिए ईविल इंटेंशंस रखते थे वो आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, राइट। सो कॉर्ड्स आर बीइंग कट, जिन लोगों ने आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखे, ठीक है, जो आपको हार्म पहुंचाना चाह रहे थे, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं, ओके। तो मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, तो आप लिमिटेशंस से बाहर आइए एंड ट्रस्ट करिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा प्लान किया है, बहुत कुछ आपने सफ़र किया है, बहुत सफरिंग एनर्जी में आप रहे हो, इस वजह से आपको ऐसा लगने लगा कि दुनिया में आप अच्छा भोगने के लिए आए ही नहीं हो, आपको ऐसा भी लगने लगा, ठीक है। डीपली आपको ऐसा लगता है जब आपको कहीं से प्यार मिलता है या आपको अटेंशन मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं इन चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर वर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करानी है खुद को कि आप डिज़र्व करते हो बेटर लाइफ, ओके, एंड अच्छे लोगों को भी आप डिज़र्व करते हो। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आप खुद को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। या सी बॉटम की एनर्जी है, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आपको ये सारी चीज़ें ईश्वर ने इसलिए एक्सपीरियंस करवाई हैं ताकि आप लोगों की सहायता कर सकें, ठीक है, ताकि आप लोगों का इलाज कर सकें,
आप हील कर सके उनको, क्योंकि आपने खुद को हील किया है एंड आपको पता है कि यू नो दूसरों को आप कैसे हील कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने खुद को हील किया है, राइट? तो आपका जो पर्पस है इस पृथ्वी पर आने का, आपका पर्पस जो है वो हीलिंग पर्पस है, ठीक है? आपका पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों की सहायता करना, जो नेगेटिव एनर्जीज से परेशान है, नेगेटिव एंटिटीज से परेशान है, इविल एनर्जीज से परेशान है, इविल प्रैक्टिसेस करी गई हैं उनके ऊपर, इविल आई कास्ट करी गई है उनके ऊपर, गंदी क्रियाएं वगैरह करी गई हैं उनके ऊपर, ऐसे लोगों को हील करने के लिए आपको भेजा गया है, ठीक है? आप एक हीलर हैं और आपने जिस प्रकार से खुद को बाहर निकाला है इन चीज़ों से, उसी प्रकार से आप दूसरों को भी इस परेशानी से निकालने का सामर्थ्य रखते हैं, राइट? सो यूर अ हीलर। आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या ओपन कम्युनिकेशन, राइट? आपके थ्रोट चक्रा को टारगेट किया गया है। यू नो आपको किसी प्रकार से खाने पीने की चीज़ों में जब कुछ दिया गया तो पॉसिबल है कि आपको नौजिया फील हुआ, हो सकता है आपको यू नो जी मिचलाने वाली फीलिंग आई, आपको हो सकता है गैस्ट्रिक इश्यूज हुए हो, ठीक है? आप नौजिएटेड फील कर रहे थे, तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को टारगेट करने की कोशिश करी एंड आपके थ्रोट चक्रा को भी टारगेट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं कर पाई हैं, ठीक है? आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि ये जो कोई भी पर्सन आपको टारगेट करता है ना, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को चुराना चाहता है, ठीक है? ताकि उस पर्सन के पास आपकी कैपेबिलिटीज़ पहुंच जाए, जो कि संभव नहीं है, ठीक है? हर किसी के अपने कर्मा होते हैं, हर कोई अपने कर्मा खुद जनरेट करता है। ये जो कोई भी है, जिस किसी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ठीक है? इस वजह से इन चीज़ों में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। प्लस आप एक मैजिकल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, ठीक है? गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव कर दिया गया है, ठीक है? आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, आपके मन पर जो कुछ भी बोझ है उसको बोल दीजिए, आपकी बात को सुना जाएगा। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया जाता हो, आपकी बात को महत्व ना दिया जाता हो, लेकिन अब आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही थी, तो आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपके अंदर जो एक प्रेम था, ठीक है, पास्ट में आपके अंदर जो एक इनोसेंस थी जो कहीं खो गई, राइट, उसको वापस ढूंढने की कोशिश करिए, उस प्यार को वापस ढूंढने की कोशिश करिए, वो कहीं खो गया, तो आप उस प्रेम को वापस से जागृत करने की कोशिश करिए, ठीक है? आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है, या यू बीन थ्रू अ लॉट, ठीक है? और अपने रिलेशनशिप के साथ साथ आपने और आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सफ़र किया है, या लेकिन अब आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, राइट? द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, या सो यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है? ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, ठीक है? पूरी कायनात आपके साथ है। आपको बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? प्रोटेक्शन का यहाँ पे कन्फर्मेशन आया है, ठीक है? ट्वाइस यहाँ पे कन्फर्म किया गया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? और ये और किसी की बात नहीं हो रही है, ये आपकी ही बात हो रही है, क्योंकि आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके? आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये आपकी ही रीडिंग है और आपकी ही ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप हाईली हाईली प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है, यूनिवर्स का बैकअप है आपके साथ, ठीक है? यूनिवर्स आपको बैकअप दे रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा पवित्र मन है आपका, राइट? सो ये कुछ पावरफुल एनर्जी आ रही है एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको और इनर स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है? आत्ममंथन करिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए और खुद को रोकिए मत, ठीक है? आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, प्रेम पूर्वक जब आप अपनी बात को रखेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा और कंसिडर किया जाएगा। आप प्रेशियस है और यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा प्रिय है, ठीक है? आप प्रेशियस हैं और यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं,
राइट, मैं कुछ साइन लेना चाहूंगी, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या साइन आ रहे हैं, प्लीज साइन प्रोवाइड करिए, प्लीज साइन प्रोवाइड करिए। ओके, क्या साइन है, प्लीज साइन प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या साइन है। ओके ओके ओके, ये भी आना चाह रहे हैं। वाओ, ओके, अ जर्नी, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ओह वाओ, फन, फ्लेमिंगो, या सो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ। राइट, ये कार्ड भी आया है, ठीक है, तो आपके जीवन से ऑब्स्टिकल्स हटा दिए गए हैं, ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं। सो किसी प्रकार की एंडिंग देख रही हूँ मैं, कुछ पुरानी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, ठीक है, नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, कुछ बदलाव होते हुए देख रही हूँ मैं आपके जीवन में, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। एंड हो सकता है आपके सोशल सर्कल में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ओके, सैटर्न रिटर्न, ठीक है, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जो कर्मा है ना, जो भी हम जनरेट करते हैं ना अपने लिए, वो हमारे पास लौट कर आते हैं, राइट, तो आपके अगर अच्छे कर्म आपने करे हैं तो आपको तुरंत उसका फल मिलने वाला है। एंड आपसे अगर कहीं पर गलती होती है, कुछ गलत होता है, ठीक है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसका भी परिणाम आपको तुरंत मिलेगा, राइट, तो इस वजह से आपको अपने कर्मों को लेकर के बहुत वॉचफुल रहना है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं करना है किसी के साथ। आपके एंसेस्टर्स के साथ आप कनेक्ट करिए, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या सो आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो किसी प्रकार की ऑफरिंग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हो सके तो उनको आप फूल चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं, ठीक है, या आप हील कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पास्ट ट्रॉमास थे ना, उनसे आप हील कर रहे हैं, मुझे बहुत हीलिंग वाइब्स आ रही हैं आपके पास से। आपने जो कुछ भी परेशानी सही है, ठीक है, आपने वो सरेंडर कर दिया है, ईश्वर को आप सरेंडर कर चुके हैं एंड आप उस चीज़ को लेट गो कर चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके जीवन से दूर जा चुकी हैं जो आपको हर्ट करती थी, ठीक है, जो लोग आपको हर्ट करते थे वो भी आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, हीलिंग एनर्जी है, आप हील कर रहे हो पास्ट ट्रॉमास से, आप हील कर रहे हो, आपने जो कुछ भी सहा है, जो कष्ट आपने सहा है जीवन में, आप उस कष्ट से बाहर निकल रहे हो, है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, किसी की एज 40 है, किसी की एज 42 है, किसी की एज 39 है, ठीक है, हो सकता है 13th आपका बर्थडे होता हो, राइट, किसी भी मंथ की 13th को, किसी भी मंथ की 4th को, किसी भी मंथ की 15th को या 6th को आपका बर्थडे होता हो, राइट, 22nd को भी हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, या 3rd September, आई एम लिसनिंग, 4th February, अप्रैल मंथ में आपका बर्थडे होता होगा, आई एम लिसनिंग 15th April, ठीक है, किसी का बर्थडे 15th April को होता है, 22nd April को होता है, तो ये डेट्स आ रही हैं कुछ, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, लेट्स सी, ओके, क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी आ रही है, क्या अपडेट है, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, मेरे कलेक्टिव्स की नॉलेज में होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए। ओके, या सो कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलस थे, ठीक है, उन्होंने गिव अप कर दिया है, राइट, जिन लोगों को आपसे कोई कंपटीशन का भाव था, उन्होंने गिव अप कर दिया है, तो आप अब जो एक अकेलापन वाली एनर्जी थी ना, आपको हर किसी से ऐसे कंपटीशन वाली वाइब्स आती थी, हर किसी से ऐसा लगता था कि जैसे कि आपके अराउंड यू नो एक प्रतियोगिता चल रही है, आपके आसपास लोग बस आपसे कम्पीट करते रहते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं, ठीक है, जो जेलस लोग हैं जो आपसे कम्पीट करते थे, ऐसे लोगों को दूर कर दिया गया है, दे हैव गिवन अप, ठीक है, उन्होंने गिव अप कर दिया है, एंड
आपके जीवन से जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें थीं, जिसकी वजह से आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता रहा, ठीक है, तो वो सिचुएशन, तो इस प्रकार की सिचुएशन को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, राइट? या ये बात सत्य है, ठीक है, इट्स अ ट्रुथ, आपकी विक्ट्री हुई है, आपने जेलस लोगों को परास्त किया है और इसी वजह से उन्होंने गिव अप किया है। उनकी परिस्थिति ऐसी है कि शायद वो लोग अब आपसे किसी भी प्रकार की कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव अब उनके मन में नहीं है आपके लिए। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और ये जो फ्रेश स्टार्ट है, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये स्वयं ईश्वर ने आपको दी है, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, या आपके जीवन से रुकावटों को डेफिनेटली दूर किया गया है। दोबारा से ये कार्ड्स फ्लैश हुए हैं, जो रुकावटें थी, जो दिक्कतें थी, है ना, उन दिक्कतों ने गिव अप कर दिया है, आपने हार नहीं मानी है, आपने उन दिक्कतों को हराया है, परास्त किया है, ठीक है। तो आपके अंदर ये साहस कहाँ से आता है, ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत इमेच्योर थे, ठीक है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया गया है, ऐसे लोगों ने गिव अप कर दिया है, ओके। कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, या न्यू बिगनिंग्स आते हुए देख रही हूँ मैं। और क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स तक पहुँचना चाहिए? गिव अप, गिव अप, या गिवन अप, सी, किसी ने गिव अप कर दिया है, कुछ गिव अप की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। किस चीज़ को लेकर गिव अप कर दिया है किसी ने, किसी चीज़ को लेकर के कोई हार मान चुका है, ठीक है, या ओके, ये आना चाह रहा है, ओके, सी, डेविल एनर्जीज ने गिव अप कर दिया है, नेगेटिव एनर्जीज ने गिव अप कर दिया है, ठीक है। आपके लव लाइफ में जिस प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, ठीक है, जो नकारात्मक क्रिया थी, कुछ कोडिपेंडेंसी थी, कुछ यू नो ईविल आई कास्ट करी गई थी, किसी प्रकार की गंदी क्रिया करी गई थी, जो कुछ भी नेगेटिव था, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया जा रहा था, ठीक है, वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है, ठीक है, वो चीज़ वापस वहीं फेंक दी गई है जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई थी, और उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ठीक है। आप उस नेगेटिविटी से फ्री हैं, आपका जो प्यार है वो उस नेगेटिविटी से फ्री है, ठीक है, आपका प्रेम अब हर प्रकार की नेगेटिविटीज से आज़ाद है, या ओके, राइट, या सो कोई मेल एनर्जी मुझे दिख रही है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करते थे, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस था, बहुत ज़्यादा कम्पीट करता था, ठीक है, जो भी ये किंग ऑफ वॉन्स है, इन्होंने गिव अप कर दिया है, ठीक है, ये अब किसी भी तरह से आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते एंड किसी भी प्रकार से आपसे कोई कंपटीशन वाला भाव नहीं रखना चाहते हैं। सो आपकी तरफ हो सकता है कोई इंटरेस्टेड है, कोई आपके लिए इन्फैचुएशन फील कर रहा है, ठीक है, कोई अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ये किसी प्रकार की इन्फैचुएशन हो सकता है, कोई यू नो छोटे मोटे रूप में आपको लव ऑफर करना चाहता है, कोई क्रश फील कर रहा है आपके लिए, वो आपके अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके जीवन में, तो वो आपको किसी प्रकार से लव ऑफर करना चाहते हैं, अफेक्शन ऑफर करना चाहते हैं, या तो इमेच्योर लोगों पर आपने विजय प्राप्त करी है, जिन लोगों ने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से आपको परेशान करने की कोशिश करी, ठीक है, अपने बचपने की वजह से अपने अंदर के जो एक इमेच्योर थॉट्स है, ठीक है, हेटफुल थॉट्स है, कॉम्पिटिशन वाले जो थॉट्स है, कंपेरिजन करने वाले जो थॉट्स हैं, ये बचपने वाले थॉट्स हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों पर आपने विजय प्राप्त करी है, ऐसे लोगों को आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से इस प्रकार के जो नेगेटिव लोग हैं वो दूर जा रहे हैं, एंड जो लोग आपसे रिलेट कर सकते हैं, जो लोग आपसे
कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, राइट. तो एक न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ, एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ. या ओके, देखते हैं क्या मैसेज है और लेट्स सी क्या और मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए. और क्या मैसेज आ रहा है? या आपको अपने धन की भी चिंता है, ठीक है, क्योंकि वो स्लो बढ़ रहा है ना. लेकिन आपको ये चीज़ बता दूं कि आपका धन डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है. राइट. सी, आपके जीवन में डिलेज कॉज करने की कोशिश करी, ठीक है, नेगेटिविटीज ने. यहाँ पे डेफिनेटली इविल एनर्जीज का कार्ड आया है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली किसी प्रकार का स्पेल वर्क जरूर किया गया है. आपको ड्रीम स्टेट में अटैक किया गया या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक किया गया, किसी ना किसी प्रकार से आपको अटैक किया गया ताकि आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करे जा सकें, ठीक है. लेकिन ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है, ये वापस वहीं फेंक दी गई है, उसी व्यक्ति के ऊपर फेंक दी गई है जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों को आपकी तरफ करने की कोशिश करी थी, ठीक है, आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें ट्राई करी थी, राइट. तो ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है एंड ये जो डिलेज आपके जीवन में क्रिएट करे गए थे, इन डिलेज को हटाया जा रहा है, ये ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है. प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इन 200, ठीक है. तो पॉसिबल है कि जो अमावस्या पड़ी थी अभी, आपको भी पता है कल अमावस्या थी, तो हो सकता है कि अमावस्या वाले दिन इस प्रकार की चीजें आपके अगेंस्ट करी गई हों, लेकिन ये जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ये बैकफायर हो चुकी है, ठीक है, इसका टिकना संभव नहीं है और ये वहीं उल्टे पैर फेंक दी जाती है, ये नेगेटिव एनर्जी जहाँ से ये आई होती है. इस चीज़ का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा, पूरी तरह से आप हील्ड है, ठीक है, एंड आपकी लाइफ पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, इवन यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड थ्री अदर एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पास पूरी एक आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है. तो आपको वापस से आगे बढ़ाया जा रहा है. तो जब भी ये जो मून साइकिल होता है ना, जब भी ये पूर्णमासी और अमावस्या आते हैं तो आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपसे कंपीट करते हैं, ये लोग आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर ईविल आई कास्ट करते हैं. लेकिन इनके द्वारा भेजी गई जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो गिव अप कर देती है, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाती है अपने इरादों में, वहीं फेंक दी जाती है जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई है, क्योंकि आप सुप्रीमली गाइडेड हैं, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है. सो इससे पहले मैं आपको एंजल्स के डाउनलोड बताऊं, मैं उन सारे अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को एक बार डिस्प्ले करके दिखाना चाहूंगी जिन्होंने अपने लिए ये कॉम्बो पैक ऑर्डर किया है, कि ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है. ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, ठीक है, एंड ये कॉम्बो पैक है. अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अलग अलग खरीदना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, राइट. ये कवच मैं स्वयं बनाती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है, मैं मेडिटेशन करने के बाद इस कवच को बनाती हूँ और उसको इस कवर में, इस सिल्वर कवर में प्लेस किया जाता है, ओके. एंड ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ भी बोल पाना बहुत कम है, ठीक है, इसके लिए शब्द कम है, इसकी शक्तियाँ अपार हैं, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच. ये हर प्रकार की नेगेटिविटीज़ को न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर इतनी असीमित शक्तियाँ हैं. अगर आपने इसको फुल फेथ के साथ धारण किया है, ठीक है, और आप इसके नियमों का पालन कर रहे हैं और इसको आपने लाल रंग के धागे में धारण कर रखा है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाता है, जिसको आप धन योग भी कह सकते हैं, राइट. आपके जीवन में धन आपकी तरफ आकर्षित होगा एंड आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा. ये कवच इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप तो प्रोटेक्टेड रहते ही रहते हैं, लेकिन आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, वो भी इस शील्ड में प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस कवच में प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है. तो इसके बेसिक से नियम है, ठीक है, अगर आप उन नियमों का पालन करते हो तो आप इसको धारण कर सकते हो. पर अगर आप किसी कारण से उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो लाल रंग के आसन पर, ठीक है.
तो आपको अगर अपने लिए कॉम्बो पैक ऑर्डर करना है या कुछ भी आपको अवेल करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा मैं और कहीं पर कोई व्हाट्सएप नंबर अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, राइट। तो आप फेक्स्टर्स से, फ्रॉडस्टर्स से प्लीज़ सावधान रहिए। मेरा कोई फेसबुक पेज वगैरह भी नहीं है, ठीक है। इस चैनल के अलावा मेरा और कहीं पर कोई पेज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो बी वेयर ऑफ फेक्स्टर्स एज वेल, राइट। सो आते हैं एंजल के डाउनलोड्स पर, देखते हैं आपके लिए क्या एंजलिक डाउनलोड्स आ रहे हैं। लेट्स सी, या दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, ठीक है। सो जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर कास्ट करी गई थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी, उनको भगा दिया गया है, ठीक है। सारी नकारात्मक ऊर्जा को भगा दिया गया है आपके जीवन से। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू, स्केयर्ड। सो कोई नोजी जेलस फीमेल है, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, बहुत नाक घुसा कर रखती है, ठीक है। उस फीमेल को सब कुछ जानना होता है आपके जीवन के बारे में कि क्या चल रहा है, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई नोजी जेलस फीमेल है जिसने आप पर कोई ईविल आई कास्ट करी है, स्पेल वर्क कास्ट किया है, किसी प्रकार की कोई गंदी क्रिया वगैरह करी है, वो फिलहाल बहुत डरी हुई है। दैट फीमेल इज स्कैर्ड क्योंकि अब उसके कर्मा उसको डेफिनेटली चेज करने वाले हैं। क्या सीकिंग हैप्पीनेस, आप खुशियों को तलाश रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बस खुशियां हो, आप सबको खुश देखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को भी खुश देखना चाहते हैं, अपनी हैप्पी लाइफ इमेजिन करते हैं आप, ठीक है। तो खुशियां भी आपको तलाश रही हैं, ओके। उनके स्पेल वर्क्स आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, या सो उनके स्पेल वर्क्स आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं। उन बेवकूफ़ों को ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है, कि उनके द्वारा करी गई जो भी गंदी क्रिया है उससे आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। या सेलिब्रिटी, आप कोई सेलिब्रिटी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। कुछ सेलिब्रिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में हैं। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, तो दिव्य शक्ति आप में रिसाइड करती है। हो सकता है बचपन में आपके पेरेंट्स को ये चीज़ बताई भी गई हो कि आपके ऊपर यू नो, कोई दिव्य शक्ति का हाथ है, दिव्य शक्ति आपको वॉच कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स इस बात से अवेयर हैं कि आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा है, डिवाइन सोल हो आप। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। सी आई एम टेलिंग यू, जो भी डिलेज क्रिएट करे जा रहे थे ना, ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड। आपका धन अब तेजी से आपकी तरफ आएगा। ऑल नेगेटिविटीज, ऑल मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। बैकफायर, यू आर एन ओल्ड सोल, आप बहुत ज़्यादा पुरानी आत्मा है, ठीक है। आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, ओके। बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा, बहुत ज़्यादा प्योर सोल, ओल्ड सोल, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है। ओके, बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन शुरू हो चुका है, ठीक है। आप लाइफ में अब बहुत अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में, राइट। लेट्स सी, एंजल्स आर टेलिंग मी टू मोर, दो और है। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, तो ये जो ट्रैप्स थे, ये जो दिक्कतें हैं आपके जीवन में, एक ट्रैप वाली सिचुएशन चली आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बंधे हुए थे किसी चीज़ में, किसी समस्या में, ठीक है। आपकी कोई ऐसी समस्या थी जिसमें आप हमेशा से बंधे हुए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप बंधा फील करते हैं उसमें, तो आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, आप फ्री होने वाले हैं, आपको आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। सारी नकारात्मक ऊर्जा से आज़ादी मिलने वाली है, ऐसे नेगेटिव लोगों से आप आज़ाद होने वाले हैं, नेगेटिव लोगों से आपको आज़ादी मिलने वाली है,
enemy suppresses you will be punished right away. जो भी शत्रु है आपका, जो आपके जीवन में बंधन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है. बिकॉज सैटर्न एनर्जी की बात हो रही थी, यहाँ पे सैटर्न का कार्ड भी आया था, शनिदेव का कार्ड भी आया था, ठीक है. तो डेफिनेटली यू नो शनिदेव की विशेष कृपा है आप पर, आपको भी बोला जा रहा है, आपको भी वॉच किया जा रहा है. आप कहीं पर भी गलत मत करिएगा किसी के साथ, लेकिन आपके साथ अगर कोई गलत करेगा वो भी बचकर नहीं निकल पाएगा, ठीक है. उसको उसके कर्मा फेस करने पड़ेंगे तुरंत, ठीक है, उसको तुरंत उसके बैड कर्मास फेस करने पड़ेंगे. डेमोनिक एंटिटीज डोंट वॉन्ट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर. सो जो गंदी शैतानी शक्तियां हैं, ठीक है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों सच्चा प्यार करने वाले एकजुट हो, एक साथ हो, ठीक है. तो इस प्रकार की जो गंदी शक्तियां हैं वो आपके प्यार में अड़चने पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है. लेकिन इन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है, वहीं फेंक दिया गया है जहां से वो नेगेटिविटी आई थी. ओके, प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100. या मेरे कलेक्टर्स के जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को उठाकर बांध कर वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो. राइट, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं. ओके, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, राइट. एंड आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, ठीक है, आपके हार्ट चक्र को टारगेट किया गया. सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग रहे हैं आपके जीवन में, एंड ये नेगेटिव लोग आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए भेजे गए थे, एंड ये नेगेटिव लोग अब आपके जीवन से जा रहे हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय हो रहा है. एंड आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है फॉर पॉजिटिव, ठीक है, फॉर बेटरमेंट, राइट. सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.